बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सबके घरों पर भी खैरियत होगी। आज हमारा उर्दू जमात छशम का लेक्चर नंबर 8 है। आज हमने सबक नंबर 13, सबक का उन्वान सेहत और सफाई के सवालात जवाबात और जुमले करने हैं। सवाल नंबर 1 है इसका, मुकालमा सेहत और सफाई में कौन कौन से किरदार शामिल हैं? जवाब, मिसादिया, हुमैरा, सुमैरा, खतीजा, यासीन, फातिमा, आलिम, मरियम, सहाब, इकबाल, अख्तर, रानी, आमना, हाजरा और सईदा के किरदार शामिल हैं। सवाल नंबर 2 है, मिस सादिया के स्कूल में क्या मनाने का फैसला हुआ? जवाब, मिस सादिया के स्कूल में हफ्ता सफाई मनाने का फैसला हुआ। सवाल नंबर 3, सेहतमंद दिमाग के लिए कौन सी चीज जरूरी है? जवाब, सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म जरूरी है। सवाल नंबर 4 है, हम कैसे सेहतमंद रह सकते हैं? जवाब, अपने जिस्म और लिबास को साफ रखने से हम सेहतमंद रह सकते हैं। सवाल नंबर 5 है आपका, सेहतमंद जिस्म के लिए कैसी खुराक की जरूरत है? जवाब, सेहतमंद जिस्म के लिए मुतवाजन खुराक की जरूरत है। सवाल नंबर 6, मुतवाजन गिजा से क्या मुराद है? जवाब, ऐसी खुराक जिसमें हयातीन की मिकदार सही हो मुतवाजन गिजा कहलाती है, हयातीन खुराक के अज्जा। सवाल नंबर 7 है आपका, दांत साफ करने का मसनून तरीका क्या है? जवाब, दांत साफ करने का मसनून तरीका मिसवाक से दांत साफ करना है। सवाल जवाब आपके मुकम्मल होते हैं, इसके बाद आते हैं किताब के सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 है आपका, जुमले बनाएं। पहला लफ्ज देखें, आगा। आगा का मतलब होता है बताना। इसका जुमला होगा, उस्तानी साहिबा ने तमाम तालबात को सफाई की अहमियत से आगाह किया। नंबर 2, भलाई। भलाई कहते हैं अच्छाई। अच्छा, हमें इंसानियत की भलाई के लिए काम करना चाहिए। नंबर 3, फिजा। फिजा कहते हैं हवा को। जुमला, आज फिजा खुशगवार है। नंबर 4 पे देखें, कराहत। कराहत कहते हैं नफरत या बेजारी। इसका जुमला होगा, मैले दांतों से कराहत महसूस होती है। नंबर 5, जिम्मेदार। जुमला, आयशा के नुकसान की जिम्मेदार सिर्फ मरियम है। इसके साथ बेटा हमारे जुमले भी मुकम्मल हुए। आज के लेक्चर में हमारे सवाल जवाब और जुमले थे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।